योगी हैं और मैं विवेकानंद भक्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे पिताजी भी मानते थे, मेरा भैया भी मानता है और हमारे घर के सब लोग विवेकानंद जी के और रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मैंने आज तक हिंदी के अलावा बंगला में बहुत गाने गाए हैं और उसके बाद मराठी, मतलब मराठी और बंगला मैंने बहुत गाने गाए हैं और सबसे ज़्यादा मराठी गाने मैंने हृदयनाथ के गाए हैं, जो उसके बंगाली भी हुए हैं और वो यहाँ बजे भी हैं, लोगों ने पसंद भी किए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी भाषा और बंगला भाषा बहुत मिलती है, इसलिए बंगला में संस्कृत है और हमारी भाषा में भी संस्कृत है मराठी में, तो इसीलिए हम लोग समझते भी हैं। और मैंने थोड़ा पढ़ना लिखना भी सीखा है बंगाली, मैं थोड़ा जानती हूँ बंगाली, और बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, पर थोड़ा बहुत ही सही मैंने सीखा है। और मुझे शरद बाबू, बंकिम बाबू, इन सब की मैंने किताबें भी पढ़ी हैं और शरद बाबू मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा लेखक थे, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सी बार पढ़ी है, तो मैं अपने आप को बंगला के बहुत नज़दीक समझती हूँ।